गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस चैप्टर 7 इन दिस वीडियो एंड पार्ट 1 डिस्कस इन दिस वीडियो. यस, चैप्टर 1 इज इंडिया इन द वर्ल्ड. जो इंडिया है उसकी जो वर्ल्ड में क्या पोजीशन है वो हम यहाँ देखेंगे डिस्कस इन दिस चैप्टर. यस, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट. इंडिया वो कंट्री है जिसका ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंट है, मतलब जो यहाँ ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, या जो एक्सटेंट मतलब काफ़ी फैला हुआ है, लाइक हमें प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है. द एरिया ऑफ आर कंट्री इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर. जो एरिया है वो कितना है इंडिया का, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है. मतलब 32,87,263 किलोमीटर इंडिया का जो एरिया है, हमारी जो कंट्री है उसका टोटल एरिया यहाँ बताया हुआ है. यस, देखिए, इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया. अगर एरिया के टर्म की बात करें, जो इंडिया का टोटल एरिया ये है, तो एरिया के टर्म में अगर बात करें तो हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो कितनी नंबर पर है, सेवन्थ नंबर पर. अगर एरिया के टर्म में देखें तो इंडिया की जो सिचुएशन है वो सेवन्थ नंबर पर है. यस, देखिए, फिर देखिए, इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर है. यस, अगर एरिया की हम बात करें तो हमारी जो पोजीशन है सेवन्थ नंबर. एंड टॉक अबाउट पॉपुलेशन, जनसंख्या की अगर बात करें कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो सेकेंड नंबर पर जो है हमारी पोजीशन है. यस, नेक्स्ट इज द ह्यूज एक्सपांस ऑफ इंडिया कंटेन अ वेराइटी ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स रैंगिंग फ्रॉम द स्नोई हाइट ऑफ द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, द वास्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड द थार डिजर्ट इन द वेस्ट, एंड दक्कन प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द गंगा डेल्टा इन बंगाल टू कच्छ इन गुजरात. यहाँ यहाँ जो व्यूज एक्सपांशन जो बताया कि बहुत बड़ा एक्सपांड जो इंडिया जो है फैला हुआ है. यस, देखिए, नेचुरल लैंडस्केप की अगर यहाँ बात करिए तो यहाँ देखिए माउंटेंस, स्नोई हाइट ऑफ, बर्फीले माउंटेंस, बर्फीले पहाड़ हैं यहाँ पर नॉर्थ में, और इंडो गैंगेटिक प्लेन वहाँ पर है नॉर्थ में, और जो थार का डेजर्ट कहाँ है वो वेस्ट में है. वेस्ट साइड क्या है, थार डेजर्ट मरुस्थल कहाँ है, इंडिया के वेस्ट में है. और यस, देखिए, दक्कन प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन दैट एक्सटेंड फ्रॉम गंगा डेल्टा इन बंगाल, मतलब ये जो वेस्टर्न जो प्लेन्स है वो है इसके अलावा, और गंगा का जो डेल्टा बनता है वो कहाँ है, बंगाल से लेकर कच्छ तक जो डेल्टा है वो है इन गुजरात. यस, फिर देखिए, इंडिया नॉट ओनली हैज़ द ज्योग्राफिकल प्रॉस्पेरिटी बट इज हिस्ट्री ऑल्सो गोज बैक टू एटलीस्ट 5,000 ईयर्स. यहाँ ये बोल रहा है सिर्फ जो इंडिया है उसकी ज्योग्राफिकली प्रॉस्पेरिटी, मतलब ज्योग्राफी में ही हम समृद्ध नहीं, मतलब कि हमारे यहाँ डेल्टा है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, यही नहीं, यहाँ ये बोल रहा है कि जो इंडिया की जो हिस्ट्री को भी अगर हम देखें तो जो इंडिया की जो हिस्ट्री है 5,000 ईयर बैक, मतलब 5,000 साल पुरानी इंडिया की हिस्ट्री भी है यहाँ ये बोल रहा है इसके अंदर. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक्सपांशन है, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन, मतलब गुजरात, राजस्थान की बात करें ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर यहाँ नीचे, या वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें, तो सभी दूर क्या है, फैला हुआ है हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखने को मिलती है. यस, सबसे फर्स्ट जो टर्म इज लोकेशन, फर्स्ट टर्म इज़ लोकेशन. यस, व्हाट इज़ लोकेशन, देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया. इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट जो बिग कॉन्टिनेंट इज़ एशिया. एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, तो यस, वहाँ पर जो इंडिया है वो सिचुएटेड है. एशिया में हम एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है, इंडिया सिचुएटेड है. इट लाइज कम्प्लीटली टू नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और इक्वेटर के कहाँ है, नॉर्थ है. लाइक हम इमेजिन करते हैं, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, तो अपर साइड ऑफ नॉर्थ पार्ट एंड बिलो साइड इज साउथ पार्ट. तो यस, दिस साइड लोकेशन ऑफ इंडिया नॉर्थ पार्ट में, इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में कहाँ है इंडिया सिचुएटेड है.
यस हैंस इट बिलोंग टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसलिए ये किससे बिलोंग करता है, इंडिया जो बिलोंग करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है। यस इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, और जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट साइड में इंडिया सिचुएटेड है, दस इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सिचुएटेड है इंडिया। अगर हम अर्थ की बात करें तो जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया सिचुएटेड है। यस इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इंडिया स्ट्रेचेस बिटवीन, जो इंडिया है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 एन तक है लैटिट्यूड पर, और जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन से है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का स्ट्रेच मतलब फैला हुआ है, इतना विस्तृत है। यस नेक्स्ट देखिए, द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑफ थ्री साइड। अब यहाँ ये बोल रहा है जो नॉर्थ इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है उस साउथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। वाई पेनिनसुला इज कॉल्ड, बिकॉज थ्री एरिया से उसको क्या वाटर ने कवर किया। लाइक इंडिया का जो मैप है आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से है नीचे से, तो यहाँ पर क्या है वाटर से कवर है, ये वाला पार्ट भी वाटर वाटर एंड वाटर, तो थ्री साइड पार्ट अगर किससे कवर होता है, वाटर से कवर होता है, तो वो ये वाला जो एरिया क्या कहलाता है, पेनिनसुला। दिस पार्ट इज कॉल्ड पेनिनसुला, थ्री साइड ऑफ वाटर इज कवर्ड। यस तो थ्री इसे लार्ज पेनिनसुला है, क्यों है, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज थ्री साइड, क्योंकि इसकी थ्री साइड्स में क्या है, वाटर बॉडीज़ है। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। इस वजह से तो थ्री साइड यहाँ क्या है, वाटर से कवर है। यस देखिए, कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, जो कन्याकुमारी है वो इंडियन मेनलैंड है, वो साउथ वाले पार्ट में सिचुएटेड है और वो इंडिया का क्या है, मेनलैंड है। यस फिर देखिए, द लक्षद्वीप आइसलैंड ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, जो लक्षद्वीप आइसलैंड का है साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप इंडिया के, वो भी एक आइलैंड है। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड कंसिस्ट 36 कोरल आइसलैंड, आइसलैंड एंड आइलैंड बोथ आर सेम, तो इस साइड क्या है, ये जो 36 लक्षद्वीप जो है 36 कोरल आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप। यस कोरल आइसलैंड में क्या होता है कि वहाँ वेजिटेशन भी ऑटोमेटिकली ग्रो होती है, और वो काफ़ी ईयर एगो वॉल्केनो की वजह से इरप्ट, वॉल्केनो वहाँ क्या इरप्ट हुआ था और देन उसकी वजह से जो फिर क्या बन गया था, वो एक आइसलैंड बन गया था। यस लाइकवाइज द अंडमान एंड निकोबार ऑफ आइसलैंड लाइज इन बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में या इधर इस साइड बे ऑफ बंगाल है इंडिया के में, इस साइड क्या है अंडमान एंड निकोबार इस साइड है, लक्षद्वीप जो है वो इस साइड है। यस फिर यहाँ ये बोल रहा है, तो जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट साइड है इंडिया के, विच इंक्लूड 572 आइसलैंड, यहाँ पर जो आइसलैंड है वो कितने हैं, 572 से मिलकर बना है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यस फिर देखिए, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट, यहाँ ये बोल रहा है जो मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, विच इट लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइसलैंड, जो निकोबार जो आइसलैंड में है वहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। यस फिर देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट मिड डे थ्रू द कंट्री एंड थस, यहाँ ये बोल रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है एंड प्रोवाइड सफिशियंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, तो एग्रीकल्चर के लिए पर्पज़ के लिए खेती करने के लिए जो हमें किसकी नीड होती है, जिस टेम्परेचर की नीड होती है वो यहाँ अवेलेबल है, या वो वहाँ सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल है फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से सिचुएटेड है। यस फिर देखिए, बीइंग अ सब ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया ऑल्सो रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ इंडिया क्या है एक सब ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से यहाँ जो कुछ एरियाज में क्या होती है सफिशियंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब जो बारिश होती है वो सफिशियंट होती है, मतलब पर्याप्त होती है, जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग कुछ एरियाज में बारिश जो होती है पर्याप्त होती है, सफिशियंट जो है रेन यहाँ पर होती है कुछ पार्ट्स में इंडिया के, सम इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सफिशियंट रेनफॉल, बिकॉज सब ट्रॉपिकल कंट्री जो है इंडिया है वो कौन सी कंट्री है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है। यस फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट, दस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड
पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे ऑफ इंडिया. इसके अलावा जो 82 डिग्री जो इंडिया से पास होती है, वो लॉन्गिट्यूड लाइन पास होती है हाफ वे. वी नो दैट द लोकल टाइम ऑफ प्लेस चेंज बाय 4 मिनट्स ऑफ एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. यहाँ ये बोल रहा है हर लॉन्गिट्यूड पर, हर लॉन्गिट्यूड मतलब जो लाइन्स होती है इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड पर जाने में जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट्स का होता है. इस लॉन्गिट्यूड से इस जाने में 4 मिनट का, तो यहाँ बोल रहा है लोकल टाइम्स में भी डिफरेंस होता है कि लाइक हम यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, तो उसके टाइम पीरियड में भी क्या 8 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा. तो इस तरह से यहाँ ये बोल रहा है एक लोकल, एक कंट्री के लोकल टाइम पीरियड में भी क्या होता है डिफरेंस होता है. और वो क्यों होता है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट्स का होता है. दैट्स वाई द रीज़न दैट्स द डिफरेंस इन 29 डिग्री ऑफ द प्राइम मेरिडियन गिव टाइम लैग नियरली 2 आवर्स बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड ईस्ट इन गुजरात, गुजरात इन द वेस्ट. जो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, गुजरात है वेस्ट में, इस साइड में. तो अब इस साइड में यहाँ ये बोल रहा है कि क्या है, यहाँ मान अरुणाचल प्रदेश, दैट इज गुजरात, यस. तो इनमें और इसके टाइम पीरियड में भी कितना जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है 2 आवर्स का. ओवर 2 आवर्स का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो पास हो रही है तो ऑब्वियसली वन लॉन्गिट्यूड से अनदर लॉन्गिट्यूड में जाने में भी कितना 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है. तो इसलिए इस यहाँ के टाइम पीरियड में, ईस्ट और वेस्ट के टाइम पीरियड में भी जो डिफरेंस है वो कितना है 2 आवर्स का है. यस, अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट साइड में, गुजरात जो है वेस्ट साइड में. तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, जो लोकल टाइम डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 आवर्स का. यस, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर, पेज नंबर इज 72. यस, इन अदर वर्ड द सन राइजेज 2 आवर्स अर्ली इन द ईस्ट. ईस्ट साइड में जो सन है वो क्या है 2 आवर्स, 2 घंटे पहले उगता है ईस्ट साइड में. यस, तो यहाँ जो सनराइज है वो 2 घंटे पहले ही हो जाता है ईस्ट साइड में इन अरुणाचल प्रदेश दैन इन वेस्ट इन गुजरात. और वेस्ट में गुजरात है तो यहाँ जो सनराइज होता है वो आफ्टर 2 आवर्स होता है. टू फॉलो द सेम टाइम एंड टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न. तो मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, मतलब एक ही कंट्री के अंदर भी क्या है टाइम आवर्स का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है. तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए टू फॉलो द सेम लाइन एंड टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, कि सेम जो टाइम है वो फॉलो हो और कन्फ्यूज़न क्या हो अवॉइड हो. द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन चूसन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. तो जो लॉन्गिट्यूड लाइन है 82.5 डिग्री वाली, उसे कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन चूज़ किया है, एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लाइन उसे चूज़ किया है ईस्ट में जो है वो क्या है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया के लिए. द टाइम ऑन दिस मेरिडियन इज रेफर्ड टू एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसे क्या बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं. द IST इज अहेड ऑफ द CMT बाय 5 आवर्स 30 मिनट्स. जो IST है इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT मतलब जो वर्ल्ड का जो नेशनल टाइम है उससे कितना अहेड है, आगे है 5 आवर्स. मतलब IST GMT इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है 5 आवर्स 30 मिनट्स का है. यस, जो IST है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो GMT है वो वर्ल्ड का है, ग्रीनविच मीन टाइम है. तो ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना डिफरेंस है 5 आवर्स का डिफरेंस. और ये डिफरेंस क्यों है, लॉन्गिट्यूड लाइंस की वजह से ये डिफरेंस है. तो इंडिया, इसलिए इंडिया में जो एक स्टैंडर्ड टाइम जो माना गया है या एज्यूम किया हुआ है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को देखकर एज्यूम किया गया है. यस, नाउ देन इन पेज नंबर 72 वी डिस्कस इंडियाज़ बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज़. जो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है, इंडिया की जो नेबर, इंडिया की जो पड़ोसी देश है, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडिया के पड़ोसी देश है, किस किस से इंडिया की बाउंड्रीज़ क्या होती है, टच होती है, कि इंडिया की बाउंड्री कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है. आपको पता होगा कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो गया, चाइना है, श्रीलंका है. यस, तो आप लोग देखेंगे द ग्रेट हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ. इंडिया के जो नॉर्थ में क्या है, ग्रेट हिमालय है. यस, ऊपर वाले अगर हम पार्ट के इंडिया की बात करें, तो यहाँ ऊपर वाले पार्ट में हमारे क्या है, इंडिया के हिमालय है.
ये नॉर्थ मैप में जो ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो साउथ होता है। जो हमारे राइट हैंड साइड होता है वो वेस्ट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो वेस्ट होगा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा। मैप में इस तरह से होता है, अपर पार्ट ऑलवेज नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट ऑलवेज साउथ, और लेफ्ट पार्ट इज़ ऑलवेज वेस्ट एंड राइट पार्ट इज़ ऑलवेज ईस्ट। यस, तो यहाँ ये बोल रहा है कि ग्रे जो हिमालय रेंज कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में। तो क्या है हिमालय रेंज कहाँ पर है, अपर पार्ट में है। द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में क्या है, इंडियन ओशियन या अरेबियन सी। इंडिया के साउथ वाले पार्ट में क्या है, अरेबियन सी, मतलब अरब सागर जिसे हिंदी में बोलते हैं। यस, फिर देखिए द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ईस्ट, और इंडिया के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। साउथ ईस्ट पार्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यस, द एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ फॉर्म द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो जो इंडियन ओशियन है वो साउथ से क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। इंडियन ओशियन जो अरब इंडियन जो ओशियन है हिंद महासागर से बोलते हैं, वो क्या क्रिएट करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है, मतलब दूसरे देशों से अपन को वो जो सी है इंडियन ओशियन जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है। यस स्टूडेंट्स, द कंट्रीज विच शेयर द टेरेस्टेरियल बाउंड्रीज विथ इंडिया, मतलब वो कंट्रीज जो टेरेस्टेरियल बाउंड्रीज इंडिया के, मतलब स्थलीय बाउंड्रीज, मतलब लैंड एज ए लैंड जो बाउंड्रीज शेयर करती है, उन कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। यस, यहाँ पर तो यस देखिए, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान अफगानिस्तान, यस यहाँ राजस्थान, तो इधर क्या है, पाकिस्तान है वेस्ट में, तो इंडिया के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, फिर नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान। यस, नॉर्थ साइड ये वाला साइड है, यहाँ पर है चाइना, नेपाल एंड भूटान, थ्री कंट्रीज इधर है, चाइना, नेपाल एंड भूटान, टू कंट्रीज यहाँ हो गई है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, ईस्ट जो साइड है इंडिया का, ईस्ट वाला साइड ये हुआ, तो यहाँ क्या है, इस साइड है बांग्लादेश और म्यांमार, जिसे बर्मा भी बोलते थे पुराने टाइम में। तो दो कंट्रीज इस साइड हो गई, बांग्लादेश एंड म्यांमार, थ्री कंट्रीज नॉर्थ में हो गई है और टू कंट्रीज ईस्ट साइड हो गई है। यस, फिर देखिए, श्रीलंका एंड मालदीव आर नेबर, नियरेस्ट नेबर अक्रॉस द सी, बट जो श्रीलंका जो साउथ में है नीचे की तरफ, वो भी हमारी नेबर कंट्रीज है, बट वो हमसे सी जो है उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, मतलब वो समुद्र पार करके इनसे, तो क्या है, हम बाय लैंड टच में हैं, लैंड सरफेस हमारा टच में, बट यहाँ पे श्रीलंका से हमें क्या है, वाटर जो है, सी जो है वो क्या कर रहा है, श्रीलंका से हमें सेपरेट कर रहा है। यस, द नैरो पाक स्ट्रेट द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया, मतलब यहाँ ये बोल रहा है पाक संधि जो है और गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ मतलब खाड़ी, जो पानी की खाड़ी है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, ये भी मतलब पाक स्ट्रेट मतलब एक पानी की धारा जो निकल रही है, पाक जल संधि जिसे बोलते हैं, पानी की लाइन जो जा रही है या नीचे की तरफ, ये तो ये यहाँ पर जा रही है, तो ये इसको क्या करती है, श्रीलंका को एंड इंडिया को क्या करती है, सेपरेट करती है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप लोग, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश एंड भूटान टुगेदर आर कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो इंडिया के जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश एंड भूटान, इन सबको मिला के पहले क्या बोला जाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते थे, कि इन ये सारी कंट्रीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड थी पास्ट टाइम में, और इसे क्या बोलते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बोलते थे। तो यस, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की नेबर कंट्रीज़ के बारे में, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल एंड भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड श्रीलंका इज नेबरिंग कंट्री। यस, तो सेवन नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया की है वो,
सेवन नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई है। फिर देखिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको भी इंक्लूड किया गया था। यस, फिर देखिए द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ ए नेचुरली डेमोक्रेटेड एंटिटी एंड हैज़ डिफरेंट फिजिकल, कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी विच सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था, मतलब ये सारी कंट्रीज उस समय इन्वॉल्व थे, तो जो हमारी जो एंटिटी थी वो क्या है, डीमार्केटेड, मतलब एक स्पेशली पहचान थी इंडिया की उस वक्त। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक अलग से पहचान थी, क्योंकि यहाँ फिजिकल कंडीशंस अलग होने के कारण, यहाँ कल्चर अलग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जो फिजिकल कंडीशन है वो अलग है। लाइक कहीं पर हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं रिवर्स है, कहीं लेक्स है, कहीं प्लेन्स हैं, माउंटेंस हैं, प्लेट्यूज़ हैं। तो ज्योग्राफिकल जो फीचर है, उस वजह से हमारा डिफरेंस, हम अलग ही दिखते हैं। कल्चर यहाँ अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग फूड हैबिट्स लोग रहते हैं, अलग अलग ड्रेस वियर करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, और सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी विच सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। इसके अलावा जो हमारी सोशो और इकोनॉमिक जो आइडेंटिटी होने की वजह से, जो हमें ये पूरे एशिया से क्या करती है, अलग करती है, कि मतलब हमारी एक अलग ही पहचान बनती है रेस्ट ऑफ एशिया से, एक अलग पहचान दिखाई देती है। यस, इंडिया एट ग्लैंस, यहाँ एक झलक जो दिखाई है इंडिया की, यस यहाँ पे इंडिया की चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है, इस लॉन्गिट्यूड पे ये सिचुएटेड, इस लैटिट्यूड पे इंडिया सिचुएटेड, एरिया इतना है, लोकेशन ये है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया एट अ ग्लैंस, यस देखिए इंडिया एट अ ग्लैंस, यस। तो यस, सबसे फर्स्ट जो है यहाँ लेंथ है, इंडिया की जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक की जो इंडिया की लेंथ है वो है 3214 नॉर्थ टू साउथ। इंडिया की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, वो है 3214 किलोमीटर। फिर देखिए ब्रेथ, जो इंडिया की चौड़ाई है 2933, ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। तो इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ लंबाई तो हो गई है 3214, और इंडिया की जो चौड़ाई है ईस्ट से लेके वेस्ट तक है वो हो गई है 2933। एरिया जो है इंडिया का है वो है 3287263। अब एरिया की अगर हम बात करें इंडिया की, तो 3287263, ये इंडिया का टोटल एरिया इतना है, मतलब इतने एरिया में इंडिया टोटल फैला हुआ है। ये लंबाई इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई, ये टोटल एरिया हो गया। अब है लोकेशन, लोकेशन जो है उसकी है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, किस साइड है वो, अगर अर्थ की, टोटल अर्थ की हम बात करें, पूरी अर्थ की बात करें, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या है इंडिया सिचुएटेड है। इसकी जो लैटिट्यूड है वो 8.4 से लेकर 37 है, लैटिट्यूड जो लाइन है 87 से लेकर 37 तक क्या है, यहाँ है इंडिया की, ये क्या हो गई है, लैटिट्यूड लाइन्स हो गई है। लॉन्गिट्यूड जो लाइन है 68 डिग्री पॉइंट 7 से लेकर वो है 97 डिग्री पॉइंट 25 तक है, वो है इंडिया की लॉन्गिट्यूड लाइन। कौन सी लाइन है, इंडिया की लॉन्गिट्यूड लाइन से, यस। फिर देखिए अब है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेन लैंड, जो हमारे इंडिया का साउथ में जो मोस्ट मेन लैंड है वो क्या है, कन्याकुमारी है। फिर है सदर्न मोस्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो इस साइड में है बे ऑफ बंगाल में, जो बताया था कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में जो है। फिर है पोजीशन इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया की क्या पोजीशन, एरिया वाइज इंडिया की क्या पोजीशन है, तो सेवन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में क्या है ये सेवन्थ लार्जेस्ट नंबर पर है।
फिर देखिए पोजीशन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की हम बात करें जनसंख्या में है तो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में सेकंड नंबर की जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर है पे है इन पॉपुलेशन, जनसंख्या की अगर हम बात करें। फिर नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, इंडिया की नेबर कंट्रीज़ जो है, तो यस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया की जो पड़ोसी देश है उनके यहाँ नेम दिए हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। यस, तो इंडिया का हमने ये देखा था कि कितनी लंबाई है, चौड़ाई क्या है, टोटल एरिया क्या है, पॉपुलेशन में हमारी क्या कितने रैंकिंग है और एरिया वाइज हमारी क्या रैंकिंग है, दैन लैटीट्यूड लाइन पर हम कौन सी लैटीट्यूड लाइन पर सिचुएटेड है, कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन पर हम सिचुएटेड है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। यस, नाउ ऑन पेज नंबर 73 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया वी डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया। यस, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज यहाँ हैं, लेकिन दिस इज़ ओल्ड बुक में ये लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना, अभी जो हमारे यहाँ स्टेट है वो कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो कितनी है, 9 हैं, यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और स्टेट जो है 28 स्टेट है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए है, यहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न से है कि उसको स्टेट वाइज, ताकि जो वर्क करने में हो, जो ऑफिशियल जो वर्क है इंडिया का, या प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रशासनिक कार्य करने में, ऑफिशियल वर्क करने के लिए इंडिया को किस तरह से डिवाइड किया गया है, या इंडिया को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, रूल रेगुलेशंस बनाने के लिए, पब्लिक की जो डेवलपमेंट के लिए किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। यस, दिस डिवीज़न हैज़ बीन ओनली मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, और ये जो डिवीज़न किया गया है मतलब 28 जो स्टेट्स बनाए हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई हैं, वो किसके बेसिस पे बनाई है गई है, ओनली एंड ओनली लैंग्वेज की बेसिस पे, भाषा की, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, लाइक हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बंगाल जाएंगे तो बंगाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी लैंग्वेज, राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थानी लैंग्वेज, साउथ में अगर हम जाते हैं तो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज और कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और मद्रास के अंदर मद्रासी लैंग्वेज, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यहाँ यूज़ करी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड भी किया गया है। यस, इसकी लैंग्वेज के बेसिस पर। फिर द मेन पॉइंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज, कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं कि कौन से मेन पॉइंट्स हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में, वो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे। इन टर्म ऑफ एरिया, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, जो सबसे बड़ी जो स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट, और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर बताया है कि जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। यस, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, कि कभी भी आपको कोई पूछे तो आपको फटाफट से आ जाएंगे, या जीके के पर्पज़ से भी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, फिर देखिए अमंग द यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइसलैंड, और आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी आर स्मॉलेस्ट, और जो लक्षद्वीप जो है वो स्मॉल आइसलैंड है, और जो इस साइड है निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, वो क्या है, सबसे बड़ा आइसलैंड है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्टेट हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, इसके अलावा जो 28 जो स्टेट्स है इनको भी अब किस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील में, लाइक राजस्थान के अंदर कितनी है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, फिर उन 33 डिस्ट्रिक्ट को और किसके अंदर, तहसील्स में डिवाइड किया हुआ है इस तरह से। यस, तो देखिए ताकि जो कंट्रोलिंग करना इजी रहे उसको, जो उस अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो जो कलेक्टर है वो कंट्रोल करेगा, जो तहसील होते हैं उसके अंदर पटवारी होते हैं, वो विलेजेस के अंदर फिर सरपंच वगैरह, तो इससे कंट्रोलिंग क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है।
उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. यूपी, उत्तर प्रदेश जो है, यूपी आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश जिसे बोलते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है. यस द सेवंथ स्टेट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में कितने जो ये आ रहे हैं, 7 स्टेट आ रहे हैं. कितने स्टेट आ रहे हैं, 7 स्टेट इस तरफ है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, जिन्हें क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं. उस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं. उनकी नेम दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा. ये किस साइड आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, इन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं. आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताएं, तो यस, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा. यस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चंडीगढ़ इज़ कॉमन कैपिटल ऑफ टू स्टेट. जो पंजाब और हरियाणा जो मिड में सिचुएटेड है इंडिया के, उनकी एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़. बाकी एवरी स्टेट की, हर स्टेट की क्या होती है, कैपिटल अलग होती है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है उनकी एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़. फिर देखिए, देर आर 7 स्टेट सच एज देयर बाउंड्रीज विथ नेबरिंग कंट्रीज. अब यहाँ ये बोल रहा है 7 जो स्टेट ऐसे हैं जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जो हमारे पड़ोसी देश है उनको टच करती है. 7 जो कंट्रीज है, सॉरी 7 स्टेट हैं, उनकी जो बाउंड्री है वो किसको टच करती है, हमारे पड़ोसी देशों को टच करती है. उन 7 स्टेट के नेम देखिए, गुजरात और राजस्थान जो है पाकिस्तान की बॉर्डर को टच कर रहे हैं. पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब टच कर रहे हैं कौन सी, पाकिस्तान की बॉर्डर को. और जम्मू कश्मीर, ये जो 4 स्टेट हैं ये किसकी बॉर्डर को टच कर रहे हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर को टच कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब टच टू बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. यस, फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये चाइना के टच कर रहे हैं. ये जो स्टेट है हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये किसको ऊपर, चाइना को टच कर रहे हैं. इनकी जो बाउंड्री है वो किसको टच कर रही है, चाइना को. फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये नेपाल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं. जो इस साइड है, इस साइड में जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, जो नेपाल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं. फिर देखिए वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, वो किसकी बाउंड्री को टच कर रहे हैं, भूटान की बाउंड्री को, भूटान से टच हो रहे हैं. वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, वो बांग्लादेश की जो बांग्लादेश है उसकी बाउंड्री को टच कर रहे हैं. और दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. आप सभी को पता होगा इंडिया की जो कैपिटल है, नेशनल हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है इंडिया की. फिर तेलंगाना विच वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. तेलंगाना जो क्या था, पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, अब उसे अलग कर दिया है और 2 स्टेट हो गए हैं अलग अलग, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, न्यू स्टेट है. कैम इन टू एग्जिस्टेंस एज न्यू स्टेट इन जून 2014. जो तेलंगाना अलग से जो राज्य बना था, कब बना था, जून 2014 में ये बना था. यस, यहाँ पर आपको पास ही में इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है, इंडिया के जो स्टेट है और उनकी जो कैपिटल्स है, लाइक राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है, पंजाब एंड चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, कर्नाटका की बेंगलुरु है, गोवा की पणजी है, महाराष्ट्र की मुंबई है. इसी तरह से काफ़ी सारी यहाँ सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के और उनकी जो कैपिटल्स है वो यहाँ इस पॉलिटिकल मैप में शो की गई है. किस तरह से इस साइड जो है निकोबार आइसलैंड है, इस तरफ जो है लक्षद्वीप है इंडिया में. यस यस, कम टू पेज नंबर 74, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. यस, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, कि इंडिया को जो फिजिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो हम यहाँ देखेंगे. उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को लेकर उसको कितने टोटल यहाँ 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो हम देखेंगे. कि अलग अलग जगह पर हम जाते हैं तो अलग अलग, क्या हम जो राजस्थान में देखने को मिलता है वही जरूर, वो थोड़ा ना हमें गुजरात में या हम जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो भी वही देख, नहीं, हम अलग अलग जगह जाएंगे तो हमें जो वहाँ की फिजिकल लोकेशन अलग अलग देखने को मिलेगी.
तो यस, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड हैज़ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म. यहाँ ये बोल रहा है इंडिया वास्ट मतलब एक बहुत ही बड़ी कंट्री, और यहाँ लैंड फॉर्म्स वेराइटी ऑफ मतलब अलग अलग टाइप्स के लैंड फॉर्म्स मतलब अलग अलग टाइप की भूमि या ज़मीन हमें देखने को मिलती है. हर एरिया हमें चेंज देखने को यहाँ पर मिलता है. फिर देखिए, द इंडियन मैन लैंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 6 फिजिकल डिवीज़न. यहाँ जो इंडिया की जो मैन लैंड है, इंडिया की जो लैंड है, उसे 6 फिजिकल डिवीज़न्स में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेंस, सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब नॉर्थ के जो माउंटेंस पहाड़ है नॉर्थ साइड में वो, फिर वहीं पर नॉर्दर्न क्या है प्लेन्स मैदानी भाग है वो, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो है, फिर कोस्टल प्लेन्स, इंडियन जो डेजर्ट थार डेजर्ट है वो, एंड फिर ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो है वो. तो फर्स्टली वी डिस्कस नॉर्दर्न माउंटेंस. फर्स्ट वी डिस्कस नॉर्दर्न माउंटेन. यस, जो फिजिकल डिवीज़न जो है उसमें फर्स्टली जो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. यस, नॉर्दर्न माउंटेंस देखिए आप लोग. द हिमालयन आर स्ट्रेचेज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. यहाँ ये बोल रहा है इंडिया की जो बाउंड्री ऊपर साइड में वहाँ जो नॉर्थ वेस्ट से लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक क्या है, हिमालय रेंज है वो इंडिया की एक बाउंड्री बनाता है, दूसरे देशों से क्या करता है हमको अलग करती है वो हिमालय. देयर आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, जो इसकी लॉन्ग मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो लंबाई जो है वो कितनी है 2400 किलोमीटर लॉन्ग, एंड देयर वाइड इज़ 500 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर, और उसकी जो चौड़ाई है 500 से लेके 200 किलोमीटर तक है हिमालय की. मतलब अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर, और अगर हम उसकी ब्राइड चौड़ाई की अगर बात करें तो 200 टू 500 किलोमीटर है. द हिमालय रन इनटू 3 पैरेलल रेंज, और जो हिमालय क्या करता है 3 पैरेलल रेंज में रन करता है. यस, देखिए फर्स्ट द ग्रेटर हिमालय, जो हिमालय वाला जो पार्ट है इंडिया का ऊपर वाला जो पार्ट है, हिमालय वाला जो पार्ट है उसको भी क्या है, जो हिमालय को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 1, 2 and 3. हिमालय को भी कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. यस, फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर हिमालय, फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर हिमालय, सेकेंड इज़ लेसर हिमालय, एंड लास्ट थर्ड इज़ आउटर हिमालय. यस, इसको फर्स्ट जो ग्रेटर हिमालय को हिमांद्री भी बोलते हैं, और जो लेसर हिमालय उसे हिमाचल बोलते हैं, और आउटर हिमालय को शिवालिक भी बोलते हैं. तो फर्स्टली वी डिस्कस ग्रेटर हिमालय, फर्स्टली वी डिस्कस ग्रेटर हिमालय. यस, देखिए व्हाट इज़ ग्रेटर हिमालय. यस, देखिए दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द हिमालय. ये जो सबसे लॉन्ग एंड कंटिन्यूस रेंज होती है हिमालय की, सबसे लंबी और कंटिन्यूस रेंज है हिमालय की. इट्स एवरेज हाइट 6000 मीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है हिमालय की, 6000 मीटर है. जो ग्रेटर हिमालय है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट जो है उसकी जो, यस, तो 6000 मीटर है, और इसकी ब्रेथ जो है 120 से 190, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 120 से लेके 190 तक इसकी चौड़ाई है, और उसकी जो लंबाई है वो 6000 मीटर है. फिर देखिए सम ऑफ द हाईएस्ट रेंज, इसमें जो है पीक रेंज जो मतलब कुछ जो इसके अंदर पहाड़ियां हैं जो पीक हैं जो फेमस है उनके नाम देखिए. माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है 8598 मीटर, धोला गिरी है वो है 8172 मीटर, एंड नांगा पर्वत है 8126 मीटर पर है, और नंदा देवी है 7817 मीटर की ऊंचाई पर है. तो ये फेमस पीक्स हैं जो ग्रेटर हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धोलागिरी, नांगा पर्वत एंड नंदा देवी. यस, दिस रेंज रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है हमेशा किससे, स्नो मतलब बर्फ से कवर रहती है. फिर देखिए द टू मेन रिवर नॉर्दर्न इंडिया, द गंगा एंड यमुना. जो दो मेन जो रिवर है नॉर्थ इंडिया में वो है गंगा और यमुना, ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेटर हिमालय, और जो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ग्रेटर हिमालय से उसकी उत्पत्ति होती है. यस, सेकेंड वी डिस्कस हिमाचल और लेस हिमालय. जो मिड वाला सबसे ऊपर वाला जो हिमालय का पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय, सेकेंड वाले पार्ट को हिमाचल या मिडल या लेसर हिमालय बोलते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. यस, देखिए क्या होता है, द लेसर हिमालय और हिमाचल लाइज साउथ ऑफ द हिमांद्री. जो हिमांद्री के क्या यहाँ पर है, ये साउथ में है लेसर हिमालय या हिमाचल. द रेंज हैज़
एवरेज एलिवेशन अबाउट 3,500 मीटर टू 4,500, मतलब 3,500 से 4,500 मीटर के बीच में इसकी एलिवेशन, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो इसके मिड में है। जो सेकंड वाला है उसकी जो है 35 से लेकर 45 तक के मीटर के बीच में इसकी क्या है, जो लंबाई है, लेंथ है, वो है इसकी। फिर देखिए, और इसकी जो वाइड चौड़ा जो है 60 से 80 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई क्या है 60 से 80 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। फिर देखिए, इसके जो हिल स्टेशंस यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो हिल स्टेशंस हैं उनके नाम देखिए, यस कुल्लू, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूली, डलहौजी, नैनीताल, ये यहाँ पर फेमस जो क्या है हिल स्टेशन है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, लेसर हिमालय या हिमाचल में सिचुएटेड है। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट वी डिस्कस आउटर हिमालय और शिवालिका। नेक्स्ट वी डिस्कस आउटर जो हिमालय है या शिवालिका की जो पहाड़ियाँ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। द शिवालिका लाइज टू द साउथ ऑफ द लेस हिमालय, ये कहाँ पर है, जो लेस हिमालय के कहाँ पर है, साउथ में ये है शिवालिका। इसकी जो लेंथ है 2400 मीटर है, जो थर्ड जो है इसकी कितनी है 2400 मीटर है, इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई हम बोले तो वो कितनी है 2400 मीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 10 to 50 किलोमीटर ही है, कितनी है 10 to 50 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है, इसका जो वाइड है वो कितना है 50 किलोमीटर। एंड इट्स हाइट वेराई फ्रॉम 900 मीटर to 1200 मील, और इसकी जो हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। यस स्टूडेंट्स, इसी पेज पर, सेम पेज पर आप देखिए, डू यू नो इंडिया हाईएस्ट पीक जो है, इंडिया में जो हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची जो चोटी है माउंटेंस की, सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे बोलते हैं, विच इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में है वो। इट इज़ इन द कानकोरम रेंज, कानकोरम जो रेंज, मतलब कानकोरम की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर है ये सबसे गॉडविन ऑस्टिन। द वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आप लोगों को पता है क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो हिमाद्री रेंज में, और वो कौन से इसके अंदर आती है, कंट्री के अंदर, नेपाल के अंदर आती है। यस, इन पेज नंबर 75 यू लुक फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल मैप आप लोगों को दिखाया गया है। यस, एल एटीट्यूड स्केल, यहाँ पर किस तरह से जो रेंज जो निकल रही है, सतपुरा रेंज है, शिवालिका रेंज है, हिमाचल रेंज, हिमाद्री रेंज आपको दिखाया हुआ है। किस तरह के प्लेन ऑफ गंगा, गंगा के जो लाइट डार्क ग्रीन कलर में है वो गंगा के प्लेन्स है, और इसकी ऊंचाई, मतलब कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितने मीटर पर है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। यस, आपको माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 का पिक्चर भी यहाँ दिखाया हुआ है, उसकी जो पिक्चर है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। यस स्टूडेंट्स, आप फिर नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे पेज नंबर 76 के ऊपर देखेंगे, इट हैज़ मैनी ब्रॉड वैलीज कॉल्ड ड्यून्स, इसके अलावा यहाँ क्या है, काफ़ी सारी ब्रॉड वैलीज, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनको ड्यून्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ड्यून्स आर इन उत्तराखंड, ज़्यादातर जो ड्यून्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में, मतलब ये ऊँची ऊँची जो चोटियाँ हैं पहाड़ की वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। देहरादून इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक का नाम यहाँ दिया हुआ है देहरादून। यस देखिए, द पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट लाइज अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, इसके जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की जो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, और वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है इंडिया की, ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो। फिर देखिए, देयर आर एक्सवॉर्टेड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय एंड आर कलेक्टिवली नॉन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, तो यहाँ ये बोल रहा है इनकी एक्सटेंशन की वजह से, ईस्ट की पहाड़ियाँ और पूर्वांचल की पहाड़ियों के एक्सटेंशन की वजह से इसे कम्बाइंड फॉर्म में पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ईस्ट तक, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ कहाँ ईस्ट तक फैली हुई है, इसलिए इन्हें ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स भी कहा जाता है। तो यस स्टूडेंट्स, इन पार्ट वन वी डिस्कस 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड ग्लैंस, इंडिया की जो झलक हमने देखी कि लॉटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइंस, लेटीट्यूड लाइंस, एरिया ऑफ इंडिया और पोजिशन ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन या इन टर्म ऑफ एरिया, आर नेबरिंग कंट्रीज एंड आर बाउंड्रीज टच टू विच टाइप ऑफ कंट्रीज। यस, तो यस स्टूडेंट्स, योर पार्ट वन इज कम्प्लीट। इन पार्ट टू वी डिस्कस पेनिनसुलर प्लेट्यूज, नॉर्दर्न प्लेट्यूज या अदर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। यस स्टूडेंट्स, तो योर पार्ट वन इज कम्प्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।